हेलो गाइस, दिस नवनीत महान डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टर्मोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं ऑनियन और गार्लिक के मेजर इंसेक्ट पेस्ट और उनके मैनेजमेंट के बारे में। गाइस, ऑनियन और गार्लिक, लहसुन और प्याज बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है। ये सिर्फ मसाले वाली फसलें नहीं बल्कि इनका मेडिसिनल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। ये जो क्रॉप होते हैं इनका बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल वैल्यू है, काफ़ी महंगे क्रॉप हो सकते हैं। ये इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इनका यूज़ किया जाता है। बट ये जो क्रॉप हैं लहसुन और प्याज, ये बहुत सारे जो इंसेक्ट पेस्ट और डिसीज़ हैं उनसे उनके द्वारा अफेक्टेड होते हैं। ये सिर्फ फील्ड में ही नहीं बल्कि स्टोरेज में भी इनका अटैक हो सकता है। जो मेजर पेस्ट हैं ऑनियन और गार्लिक के, वो है ऑनियन मैगट, इसी को ऑनियन फ्लाई के नाम से जानते हैं, और दूसरा है ऑनियन थ्रिप्स, इसी को वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये तो मेजर पेस्ट हैं, बट इनके अलावा कुछ कॉमन स्पोरेडिक पेस्ट भी हैं जो रेयरली इनमें अटैक करते हैं, जस्ट लाइक कट वॉर्म, आर्मी वॉर्म, वायर वॉर्म्स एटसेट्रा। ये जो कट वॉर्म, आर्मी वॉर्म या फिर वायर वॉर्म जो इंसेक्ट हैं, ये इंसेक्ट हाईली पॉलीफेगस होते हैं जो कि हर प्रकार के वेजिटेशन को नष्ट कर देते हैं। इनके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बता चुका है। अभी हम बात करते हैं ऑनियन मैगट की। ऑनियन मैगट या ऑनियन फ्लाई जो है डेलिया एंटिक्वा, ये ऑर्डर डिप्टेरा फैमिली एंथोमाइडी के मेंबर्स होते हैं। ऑनियन और गार्लिक का 20 से 90% तक नुकसान इन्हीं कीड़ों की वजह से हो सकता है। गाइस, सबसे ज़्यादा टेम्परेट रीजन में ही जो ऑनियन मैगट है उनका अटैक टेम्परेट रीजन में ज़्यादा होता है। ये जो है इंडिया के अलावा नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, रसिया, सेंट्रल एशिया एक्सेट्रा कंट्रीज में पाए जाते हैं, बट ये डेजर्ट एरियाज में ये नहीं पाए जाते। इनका नेचर ऑफ डैमेज की अगर बात करें तो ये लार्वी होती है, लार्वी फीड ऑन हाइपोकोटाइल टिश्यू ऑफ सीडलिंग्स, रिजल्टिंग इन वेरियस टाइप्स ऑफ डैमेज। जो हाइपोकोटाइल टिश्यू होते हैं उसको डैमेज करते हैं, उनको बोर करके उसमें फीड करने हैं। लार्वल फीडिंग बाय किलिंग सीडलिंग्स, देयरफॉर पुअर प्लांट स्टैंड्स में इंडिकेट एन ऑनियन मैगट प्रॉब्लम। इसके वजह से जो प्लांट का जो डेवलपमेंट है बहुत ही पुअर होता है, जो कि ऑनियन मैगट को इंडिकेट करता है। इन लार्जर प्लांट लार्वी में टनल इनटू बल्ब्स, अगर प्लांट्स बड़े होते हैं तो उनमें जो लार्वी होती है वो बल्ब्स को टनल करके उसके अंदर घुस के अंदर में फीड करते हैं। ऑनियन मैगट फीडिंग कैन इंट्रोड्यूस सॉफ्ट रूट बैक्टीरिया टू द प्लांट। अगर ऑनियन मैगट ने अटैक किया है तो उसमें बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे सॉफ्ट रॉट बैक्टीरिया बहुत जल्दी अटैक करते हैं, क्योंकि पैथोजेंस के एंट्री के लिए वहाँ पे ओपन स्पेस मिल जाते हैं। इनके मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करें तो एडल्ट ऑनियन मैगट फ्लाइज रिसेम्बल हाउस फ्लाइज, ये हाउस फ्लाई के समान ही दिखाई देते हैं, बट दे हैव लॉन्गर लेग्स। हाउस फ्लाई के समान दिखाई देते हैं बट ये इनके पैर हाउस फ्लाई से ज़्यादा लंबे होते हैं, एंड दे आर मोर स्लेंडर एंड ओवरलेप देयर विंग्स वेन एट रेस्ट। जब बैठते हैं तो इनका विंग जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप्ड होता है, जबकि हाउस फ्लाई के विंग्स फैले हुए होते हैं। एडल्ट फ्लाई इज लेस देन 1/3, 1/3 ऑफ एन इंच, 1 इंच के 1/3 भाग से भी छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे साइज के ये फ्लाई होते हैं, काफ़ी छोटा इनका साइज होता है। द एलोंगेट शेप्ड एग्स आर 1/25 ऑफ द इंच, इनका जो एग होता है ये भी काफ़ी छोटा होता है, 1 इंच का 25वां भाग हो सकता है। और जो इनकी लार्वी होते हैं ये एपोडस होते हैं, इनके लार्वी में पैर नहीं होते, मैगट होते हैं जो कि क्रीमी वाइट कलर के होते हैं एंड रीच अ लेंथ ऑफ अबाउट 1/3 इंच, ये जो है 1/3 इंच तक
बढ़ सकते हैं। द प्यूपा इज चेस्टनट ब्राउन एंड 1/3 इंच लॉन्ग। इनके जो प्यूपा होते हैं ये भी काफ़ी छोटे होते हैं, 1/3 इंच के बराबर लगभग होते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है कुछ इस प्रकार से है, इन जो एडल्ट फीमेल है वो अंडे देती है बल्ब्स के ऊपर या फिर पत्तियों के या पौधों के स्टेम में, जो कि 4 से 11 दिन में हैच हो जाते हैं। न्यूली हैच लार्वी जो है फीड करने स्टार्ट करते हैं और लगभग 20 से 25 दिन तक इनकी जो लार्वल स्टेज है वो कंटिन्यू होती है। इनका जो प्यूपल स्टेज है 12 से 21 दिन तक होता है और एडल्ट स्टेज लगभग 2 से 3 दिन तक ये मेटिंग करते हैं और जिंदा रहते हैं। बींग मेटिंग विद इन 24 आवर्स, जो एडल्ट है एमरजेंस के 24 घंटे बाद ही 24 घंटे के अंदर ही मेटिंग करना स्टार्ट करते हैं और 2 to 6 days आफ्टर मेटिंग ले फॉर अबाउट अप टू 28 डेज। ये जो है दो से मतलब मेटिंग करने के बाद में ये लगभग 20 दिन तक अंडे देते रहते हैं कंटिन्यू। ये जो इंसेक्ट्स हैं इनका लाइफ साइकिल लगभग 25 से 30 दिन में कंप्लीट हो जाता है, बट कभी कभी इनका जो लाइफ साइकिल है 60 to 90 डेज तक चलते हैं। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें क्रॉप रोटेशन का यूज़ करना चाहिए, रोटेट गार्लिक क्रॉप्स वेन एवर पॉसिबल टू प्रोवाइड एटलीस्ट हाफ माइल बिटवीन न्यू सीडलिंग्स एंड प्रीवियस क्रॉप और कल पाइल्स। डिस्ट्रॉय क्रॉप डेब्रिस एंड रिमूव कल्स फ्रॉम द फील्ड टू रिड्यूस नंबर ऑफ ओवर विंटर ऑनियन मैगट पॉपुलेशन। स्प्रे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स सच एज डाइमेथोएट मेलाथियन एटसेट्रा। गाइस नेक्स्ट इंसेक्ट इज अनियन थ्रिप्स। अनियन थ्रिप्स थ्रिप्स टेबेकाई। थ्रिप्स टेबेकाई इज अ मेंबर ऑफ ऑर्डर थाइसिनोप्टेरा फैमिली थ्रिपिडी। इनके जो मेन होस्ट हैं वह अनियन गार्लिक, ऑनियन और गार्लिक इनके ऑनियन गार्लिक और चिली इनके मेन होस्ट हैं, बट ये भी हाईली पॉलीफेगस होते हैं जो कि कई क्रॉप पे कई प्रकार के वेजिटेशन पे ये फीड करते हैं। अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो इंसेक्ट हैं पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये सैप फीडर होते हैं, सकिंग पेस्ट होते हैं, बोथ निम्फ एंड एडल्ट फीड बाय पियर्सिंग एंड रेस्पिंग द लीफ सरफेस एंड ड्रिंकिंग द लिक्विड। ये जो है सैप को शक करके उसको खुरच के शक करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। द फीडिंग एरियाज लेटर अपेयर ए सिल्वरी पैचेस ऑन द लीव्स। व्हेन फीडिंग एरियाज आर लार्ज द प्लांट्स एबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस एंड मेंटेन वाटर बैलेंस इज ग्रेटली रिड्यूस। अगर ये बहुत ज़्यादा अटैक होता है तो उस कंडीशन में चूँकि पत्तियों पे वाइट पैचेस बन जाते हैं, ये जो है ग्रीन कलर पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस क्रिया करने में ये जो प्लांट्स होते हैं अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं हो पाते। इसके फलस्वरूप इसके रिजल्टेंस में जो क्रॉप का जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। ये जो इंसेक्ट्स हैं इनका एक किडनी सेप्ड होता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एग देते हैं, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स हैं खुद में बहुत ही माइन्यूट होते हैं, इसलिए इनके एग और भी काफ़ी छोटे होते हैं। जो निम्फ होते हैं निम्फ आर सिमिलर इन फॉर्म टू द एडल्ट। ये जो निम्फ और एडल्ट दोनों ही फॉर्म में सिमिलर होते हैं, सिर्फ विंग्स नहीं होते। एडल्ट मेल्स आर विंगलेस एंड एक्सट्रीमली रेयर। जो एडल्ट होते हैं एडल्ट मेल्स वो बहुत ही कम होते हैं और इनमें विंग्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, इसलिए इनमें मेल्स की संख्या कम होती है। एडल्ट फीमेल्स रेंज फ्रॉम येलो टू ब्राउन एंड आर यूजुअली 1/6 इंच लॉन्ग। 1 इंच के 16वें भाग तक इनका जो आकार है वो हो सकता है, दैट मीन्स इनका जो आकार है लगभग 1 से 2 मिलीमीटर तक होता है। इनका जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में बात करें
तो इनका थ्रिप्स पासेस थ्रू सिक्स डेवलपमेंट स्टेजेस. फर्स्ट वन इज एग, देन टू लार्वल स्टेज, देन प्री प्यूपल, देन प्यूपल स्टेज एंड एन एडल्ट. इनमें जो मेटामॉर्फोज है वो पॉलीमॉर्फिज्म टाइप का मेटामॉर्फोज इनमें पाया जाता है. इनमें एग के हैचिंग के पश्चात में टोटल 6 स्टेज होते हैं. इनके मैनेजमेंट के लिए हमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का कम से कम यूज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ में पौधे बहुत ही कोमल हो जाते हैं. साथ में स्प्रिंकलर एरिगेशन कैन सप्रेस पॉपुलेशन. जो स्प्रिंकलर एरिगेशन है उससे पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है, क्योंकि पौधों पे पानी के सीधे बौछार पड़ने से उनके पॉपुलेशन पे मैटिंग पे विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जिस वजह से इनका पॉपुलेशन कम हो सकता है. कुछ नेचुरल एनिमीज जस्ट लाइक लेडी बर्ड बीटल, बिग आइड बर्ग, पायरेटेड बर्ग, सर्फिट फ्लाइज और कुछ प्रेडर थ्रिप्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक डेल्टा मैथिन एट्सेट्रा का भी हम स्प्रे कर सकते हैं. गाइस आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.